हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने 300 ग्राम पालक लिया है। पालक को आप धो के साफ़ करके अच्छे से रख लीजिए। 250 ग्राम पनीर मीडियम साइज़ कटा हुआ मैं ले रही हूँ। 2 छोटे टमाटर मीडियम साइज़ मैंने काट के रख लिए हैं। 2 छोटे मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं। 2 इंच अदरक, 10 से 15 कलियाँ लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच पिसी हुई धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 पिसा हुआ जीरा, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक और क्रीम, ये इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जो मैंने पालक ली थी, सबसे पहले हम उसको रफली चॉप करके मैंने इस तरीके से रख दिया है। चॉप करने से क्या होगा, जो रेशे बनते हैं वो नहीं बनेंगे। अब हम इसको बॉयल करने के लिए कुकर में डाल देंगे। रफली चॉप पालक को हम उबालने के लिए कुकर में डाल देंगे। हम इसे एक विसल लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा पालक तैयार होता है तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे। मैं इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मेरा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद पिसा हुआ 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। और मिर्ची। उसके बाद लहसुन और अदरक। इसे आप अच्छे से भून लीजिए। इसे आप अच्छे से हिलाते रहिए ताकि ये मसाला जले नहीं। अब मेरा प्याज अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 4 चम्मच। आप इसे अच्छे से हिलाते रहिए। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। आप इसे अच्छे से हिलाते रहिए। आप इसे लगातार हिलाते रहिए ताकि ये नीचे लगे नहीं। टमाटर को पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। अब हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर सकते हैं। गरम गरम ग्राइंड करना थोड़ा रिस्की रहता है। हमारा पालक अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे अच्छे से। पालक को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हमारा मसाला अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए। कंसिस्टेंसी को ऐड करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ किया है। आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद ग्राइंड कीजिएगा। जो मसाला हमने लिया था, हमने उसे ग्राइंड करके रख दिया है। उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया था ग्राइंड करके, उसे हम उस तेल में डाल देंगे और उसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि वो भुन ना जाए। अब पालक और मसाला अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। और इसे अच्छे से हिला लेंगे।
अब हम इस पालक पनीर को 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। अब पालक पनीर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर अब रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।